500 रुपए में पाना चाहते हैं रसोई गैस सिलेंडर, तो आज ही कर ले अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार, समझ ले पूरा प्रोसेस। राजस्थान सरकार देगी आधे दाम पर गैस सिलेंडर, महंगाई से मिलेगी राहत, महिलाओं की परेशानी होगी दूर, लेकिन कैसे और कब से मिलेगा। सरकार के कैंप में जाना पड़ेगा, जरूरी कागजात दिखाना पड़ेगा, 24 अप्रैल से लगेंगे राहत कैंप, 73 लाख से ज्यादा परिवारों को होगा सीधा फायदा। जब देश महंगाई से जूझ रहा है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, तेल आटा चावल सब महंगा हो रहा है, तो कंगाली में आटा गीला करने का काम रसोई गैस के बढ़ते दाम कर देते हैं। लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार ने चुनाव से पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला और गैस के दाम सीधे 500 रुपए कर दिए। अब बजट में गहलोत साहब ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन जनता के मन में उठा सवाल कि आखिर कब से और कैसे मिलेगा, किसे मिलेगा 500 रुपए में गैस सिलेंडर। तो आपकी इन परेशानियों को आज हम करेंगे दूर, हर सवाल का जवाब देंगे। सबसे पहले जानिए कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ। राजस्थान में 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर का फायदा उन्हीं पात्र कनेक्शनधारियों को मिलेगा जो सरकार के राहत कैंप में आएगा। ये कैंप 24 अप्रैल से गांवों और शहरों में लगाए जाने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान और प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत लगाए जाएंगे। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक योजना का फायदा लेने के लिए पात्र कनेक्शनधारी बीपीएल और पीएम उज्ज्वला योजना को कैंप में आकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन फूड एंड सप्लाई विभाग के पोर्टल पर होगा। इसके जो डेटा सरकार को उपलब्ध होगा उसी के आधार पर कैश सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। अब आपको बताते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लाने जरूरी हैं। इन कैंप में गैस कनेक्शन की डायरी या पूर्व में जारी रसीद की कॉपी के अलावा जन आधार कार्ड लाना जरूरी होगा। इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए कैंप में पोर्टल पर सारा डेटा डालकर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया केवल कैंप में ही की जाएगी और प्रथम चरण में ये कैंप 24 अप्रैल से 30 जून तक लगाए जाएंगे। राजस्थान में तीनों गैस कंपनियों IOCL, BPCL, HPCL के 1,75,48,000 से ज्यादा कनेक्शन हैं। इनमें से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 69,20,000 से ज्यादा कनेक्शन हैं। इसके अलावा 3,80,000 BPL परिवार हैं जिनके पास गैस कनेक्शन हैं। अब ये समझिए सरकार को कितने पैसे देने होंगे। तो बीपीएल श्रेणी के 6 लाख उपभोक्ताओं को फिलहाल सिलेंडर 1,050 रुपए में मिल रहा है। इसके बाद जब 500 रुपए में मिलेगा तो बचा हुआ 550 रुपया राज्य सरकार को देना होगा। इससे राज्य सरकार पर सालाना लगभग 396 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। इसी तरह उज्ज्वला के 69 लाख उपभोक्ताओं को फिलहाल सिलेंडर सब्सिडी के बाद 850 रुपए में मिल रहा है। ऐसे में जब उन्हें 500 रुपए में मिलेगा तो बचे हुए 350 रुपए राज्य सरकार को देने होंगे। इससे राज्य सरकार पर सालाना लगभग 2,898 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। कुल 75 लाख उज्ज्वला और बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को जब रियायती दरों पर राजस्थान सरकार सिलेंडर देगी तो इससे सरकार पर सालाना 3,294 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती थी जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए से सीधे खाते में आती थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। ऐसे में सरकार की योजना गहलोत सरकार के लिए गेम चेंजिंग हो सकती है।